अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज आप लोगों की लैब नंबर 8 है, ठीक है। एक मिनट, आप लोगों की लैब नंबर 8 है। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग हम अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लैब के ऊपर आते हैं।
अच्छा जी, जीशान यूसुफ। प्रेजेंट सर, हुसैन। हुसैन एब्सेंट। मोहम्मद आफाक मलिक। मोहम्मद आफाक मलिक। महद नईम। महद नईम। सैफुर रहमान। प्रेजेंट सर। अनस नदीम। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अतीब शेख। प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, एमन हयात। प्रेजेंट सर। ठीक है। मेजबा। प्रेजेंट सर। ठीक है। ओएस आमिर। जी, ओएस आमिर। सैयद अहमद अली शाह। मोहम्मद मुदब्बिर। मोहम्मद मुबशिर, सॉरी मोहम्मद मुबशिर एब्सेंट है। शायान अहमद। शायान अहमद। इबाद अली खान। प्रेजेंट सर। अब्दुल सबूर। जी, अब्दुल सबूर। प्रेजेंट सर। ठीक है। अरसलान। जी, अरसलान। मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद सुभान। मोहम्मद सुभान एब्सेंट है। ऑन हसन अली। प्रेजेंट सर। सैयद हम्माद। प्रेजेंट सर। दुआ वजी। जी, दुआ वजी। प्रेजेंट। यासिर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अजैन खान। मोहम्मद अजैन खान। उजैर खान। गानिम गाजी। प्रेजेंट सर। साद खान। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तलहा बेदी। प्रेजेंट सर। ठीक है। अरीज फातिमा। प्रेजेंट सर। ठीक है। सैयद वारिस अली। जी, सैयद वारिस अली।
नूरुल हैं, नूरुल हैं, सैयद मोहम्मद अतब, सैयद मोहम्मद अता हुसैन, एब्सेंट है फैज आलम, फैज आलम, शमा उल मीन, शमा उल मीन भी एब्सेंट है, दानियाल मलिक, दानियाल मलिक, उम्मे हानी, उम्मे हानी भी एब्सेंट है। सर नहीं नहीं सर प्रेजेंट है, वो यहीं पर है, वो आ जा रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार नेट की वजह से। सर मेरी प्रेजेंट लगा दें, मैं आ गई, मेरा नेट कनेक्ट हो गया। ये आप लोग व्यू कर लें, अगर कोई प्रेजेंट है उसकी अपडेट मार दीजिए तो वो चेक कर लें। सर मेरी अटेंडेंस लग गई। आपका नेम? ये कौन बोल रहे हैं? सर मार बोल रहा हूँ, मेरा नेट इशू हो रहा है। हेलो, ठीक है, आपकी लग गई अटेंडेंस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये अटेंडेंस हो गई। अच्छा, ये आज की हमारी लैब है इमेजेस एंड एचटीएमएल पेजेस। सर जी, नूरुल आइन का मैसेज आया, वो कह रही है कि उनका माइक ही नहीं चल रहा, वो बोल रही थी फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई। उनकी अगर एब्सेंट मार्क हुई है तो प्रेजेंट कर दें। अच्छा, आज की काफ़ी इजी लैब है। आप लोग HTML का जो टैग है, इमेज टैग से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप लोगों को ये पहले ही मैंने इस टैग से इंट्रोड्यूस करा दिया था। यूज़ करते हैं आप लोग अपने असाइनमेंट्स में भी यूज़ कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है। तो बस ये आज, अच्छा आवाज़ आ रही जा रही है, एक मिनट। जी अभी आ रही है आपको आवाज? यस सर आ रही है। ठीक है, अच्छा ये जो आज की लैब है, बस ये इमेजेस की ही लैब है कि इमेज की मैनिपुलेशन किस तरह करते हैं, इमेज के टैग के अंदर आप क्या क्या प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग काफ़ी हद तक इमेज के टैग से वाकिफ़ हैं कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, फिर भी हम इसको इन डिटेल देख लेंगे कि इसमें क्या काम है। तो ये आप लोगों को पता है कि आप HTML के पेजेस के अंदर मल्टीपल डायग्राम्स, लोगो,
इलस्ट्रेशन फोटोग्राफ्स वगैरह डालने के लिए इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो इमेज टैग को आपने इस्तेमाल करने के लिए, ये IMG का टैग है आपके पास, ठीक है। इस टैग की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने कोई भी इमेज डालनी हो तो IMG के टैग में आप डालते हैं। इसकी दो या कुछ लोग दो यूज़ करते हैं, कुछ तीन प्रॉपर्टीज़ आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, एक तो आपने उसकी सोर्स बतानी होती है कि आप इमेज अपनी कंप्यूटर में से कहाँ से इसको पिक कर रहे हैं, तो वो सोर्स में कोई ना कोई URL आ रहा होता है, ठीक है। और फिर आप उसका ऑल्टरनेटिव ELT ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बताते हैं कि भाई अगर तो ये इमेज लोड होने में कोई इशू है, जैसे आप लोग कभी कभार कोई ना कोई वेबसाइट देखते हैं, वहाँ पे कोई इमेज लेट लोड हो रही है, कोई वेब ब्राउज़र लेट लोड हो रहा है, तो वहाँ पे इमेज की बजाय कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो ऑल्टरनेटिव में आप उसका टेक्स्ट बता देते हैं, ठीक है। टाइटल में क्या होता है, टाइटल में आप एक टाइटल दे रहे होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आप कई दफ़ा इमेजेस के ऊपर किसी, जैसे यहाँ पे आप ये इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एक टाइटल गिवन आ रहा है पॉपअप में, ये फिफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस तरीके से कई वेबसाइट्स पे आप किसी भी इमेज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई आपके पास उस टाइटल, उस इमेज का टाइटल आ रहा होता है, सिर्फ वो इमेज के ऊपर होवर करने से आपके पास आता है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि यू कैन ऑल्सो यूज द टाइटल एट्रीब्यूट विद इन द इमेज टैग, ठीक है, टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज। आप इमेज के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन आप कोई पैराग्राफ वगैरह देना चाह रहे हैं वो आप टाइटल के अंदर दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। बॉडी के अंदर इमेज का अगर एक टैग क्रिएट करूं, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, एक इमेज की सोर्स गिवन है, सोर्स में आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर मेरे पास ये मैंने कोर्स फाइल्स के अंदर यहाँ पे इमेज रखी है PAF.png के नाम से, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये इमेज ये है। अच्छा, अब इसकी कोई ना कोई हाइट और विड्थ और विड्थ इसकी आ रही होगी। खैर, अगर इसका नाम है PAF.png, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया PAF.png, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव में मैंने इसको लिख दिया कि भैया क्या है PAF। कुछ भी मैंने उसका एक टाइटल दे दिया, अब होगा क्या, जब आप इसको सेव करेंगे और ये इसको रन करेंगे तो ये देखेंगे कि ये इमेज आ गई सिंपल, ठीक है, कुछ भी इसमें कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन जब आप इस इमेज के ऊपर होवर करेंगे तो ये देखें आपके पास एक टैग लिखा हुआ है, एन इमेज दैट इज़ द साइन लोगो ऑफ PAF इंस्टीट्यूट। तो अब ये कोई भी इंसान इस वेबसाइट के ऊपर आपकी इमेज के ऊपर होवर करेगा तो उसको ये लिखा हुआ है। तो आप जिस जिस इमेज के ऊपर ये टाइटल लगाना चाह रहे हैं आप टाइटल लगा दें, सिर्फ ये होवर करने के ऊपर आएगा कि आपका माउस जैसे ही उस इमेज के ऊपर जाएगा तो ये आपके पास टाइटल लिखा आ जाएगा, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव टैग के, ऑल्टरनेटिव ये ELT का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसमें मैंने लिखा है PAF लोगो के, अगर ये अगर तो ये इमेज लोड नहीं होती किसी भी वजह से इस वेब पेज के ऊपर, जैसे ये वेब पेज है, अगर इसके ऊपर ये इमेज लोड नहीं होती, सपोज मैंने इसका लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इसका जो URL दिया हुआ है उसमें कोई, अगर ये सेम आपके फोल्डर के अंदर होगी तो ये लोड हो जाएगी। अगर आप
इसको इस फोल्डर से बाहर निकाल देंगे, इसको इसका यूआरएल चाहिए होगा, ठीक है। जब मैं इसको लोड करूँगा तो क्या होगा, ये देखें सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है पी ए एफ लोगो। तो ये पी ए एफ लोगो कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेटिव टैग में ऑल्टरनेटिव इसकी दिया हुआ है पी ए एफ लोगो। यानी कि अगर अगर तो इमेज लोड हो जाए तो सही है, अगर ना हो तो ऑल्टरनेटिव क्या काम हो, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए कि यहाँ पे एक पी ए एफ का लोगो है, किसी ने किसी वजह से वो लोड नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब वो कोई भी वजह हो सकती है। उसके बाद हम हाइट और विड्थ के ऊपर आते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप आपकी जो भी इमेज है उसकी कोई ना कोई हाइट यानी कि उसकी लंबाई सेट कर सकते हैं पिक्सल्स के अंदर, कोई उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई उसकी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, ये किस तरीके से काम होता है। आप इमेज के ही टैग के अंदर उसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। गिवन है और हाइट इसकी 450 गिवन है, ठीक है। तो ये देखें इसकी इमेज का साइज़ बड़ा हो गया, हाइट टू विड्थ उसकी चेंज हो गई, इसकी विड्थ 600 है और ये है, अगर मैं इसको भी कम हो जाएगी। इस हिसाब से आप इसकी इमेज टैग के अंदर ही विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिस हिसाब से आप जो है इमेज की विड्थ और हाइट रखेंगे वो भी आपका जो ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है जैसे गूगल क्रोम है या कोई भी है, वो उसी साइज़ को सेट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इमेज की स्टाइलिंग है। इमेज की स्टाइलिंग में क्या है कि आप ये हाइट और विड्थ यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसका कोई स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये आइदर स्मॉल हो या मीडियम हो या लार्ज हो, ये आप उसकी जहाँ से आप इसको अलाइनमेंट कर रहे होंगे, इसकी जहाँ आप इसको अलाइन कर रहे होंगे वहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे कि आइदर ये स्मॉल है या मीडियम है या लार्ज है। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, फर्स्ट यू नीड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज दैट विल बी यूज कॉमनली थ्रू आउट द साइट, देन गिव ईच साइट साइज अ नेम, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मीडियम और लार्ज, ठीक है। इमेज को आपको यहाँ पे इसके जो इमेज का टैग है उसके अंदर आपको उसकी हाइट विड्थ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है आप मल्टीपल जगहों पे सेम हाइट और विड्थ की इमेजेस अगर आप पूरी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, एक दो डिफरेंट हैं लेकिन मोस्ट ऑफ दी इमेजेस सेम है, तो आप हर जगह पे जाके उसकी हाइट विड्थ नहीं देंगे। आप सी एस एस के थ्रू उस चीज़ को अप्लाई कर देंगे, उसकी क्लास बना के कि आप स्मॉल की एक मीडियम की या लार्ज की। इसको क्या करने का तरीका है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप ही इसको देख लें,
के दो पैराग्राफ्स गिवेन है और इमेजेस गिवेन है, ठीक है। अच्छा यहाँ हो ये रहे कि पहले पैराग्राफ के अंदर एक इमेज गिवेन है, ठीक है। इमेज का सोर्स आप वही रख दें, सपोज पीएफ वाली रख दें इमेज, टाइटल देने की बजाय उसको एक सिंपल लाइन लिखी हुई है नीचे टाइटल की बजाय। इसमें अब ये हो क्या रहा है, एक मिनट भाई। अच्छा इसमें हो क्या रहा है कि इसमें आपके पास आपने सेम इमेज ले ली, ठीक है, ऑल्टरनेटिव आपने कोई भी टैग दे दिया। अच्छा अब आपने इसकी इसकी क्लास डिफाइन कर दी है सीएसएस में, उस क्लास का क्या नाम है, अलाइन लेफ्ट मीडियम या अलाइन राइट, ठीक है। ये करते वक्त आपने जब अलाइनमेंट की क्लास दे रहे हैं उसके साथ ही आप आइदर मीडियम आइदर स्मॉल या आइदर लार्ज की भी क्लास डिफाइन कर दें, तो वो आप एक ही क्लास के अंदर ये सारी चीज़ों को डिफाइन कर दें, तो ये आपकी आपको बार बार हर जगह पे विड्थ और हाइट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप ये क्या किया हुआ कि इमेज का जो टैग है, इस इमेज के टैग के ऊपर हमने क्लास अप्लाई किया, ठीक है। क्लास किस तरह अप्लाई की है कि इमेज डॉट और अलाइन लेफ्ट, ठीक है, इमेज डॉट अलाइन लेफ्ट, तो यहाँ पे अलाइन लेफ्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इमेज डॉट अलाइन राइट, तो यहाँ पे अलाइन राइट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने तीसरी जो चीज़ डिफाइन की है वो है इमेज डॉट मीडियम, यानी कि ये इसी क्लास के अंदर अगर आप यहाँ पे गैप देके अलाइन लेफ्ट और अलाइन राइट के बाद गैप देके मीडियम लिख देंगे तो वो इस मीडियम को भी कॉल करा देगा साथ में, ठीक है। इसमें अलाइन लेफ्ट में क्या हो रहा है कि फ्लोट लेफ्ट रखा हुआ है, ठीक है, 10 मार्जिन दिया हुआ है राइट से, यहाँ पे लेफ्ट से 10 मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इमेज इस तरफ फ्लोट करेगी, इसमें राइट के ऊपर फ्लोट करेगी, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट उस इमेज के लेफ्ट पे 10 पिक्सल्स का मार्जिन होगा, ठीक है। उसके बाद इमेज मीडियम क्या कर रहा है कि इसकी एक मीडियम साइज डिफाइन कर रहा है, इसकी विड्थ अगर मैं मीडियम रखना चाह रहा हूँ तो विड्थ में क्या होगा 250 पिक्सल्स और हाइट क्या है 250 पिक्सल्स। अगर हम इसको रन करें आपको दिखेगा कि ये दो इमेजेस आ गई, ठीक है, दो इमेजेस में अच्छा आप लोगों की ये अभी मीटिंग जैसी एंड होना तो आप लोग इसको दोबारा रीज्वाइन कर लें, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम मेरे पास शो कर रहा है।